जय हिंद भाई लोगों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है YT एडिटर्स में। कई बार मैं YT इनसाइड बोल देता हूं, क्योंकि वो भी हमारा चैनल है जिस पर हम सिर्फ यूट्यूब की बात करते हैं। तो आज की इस एपिसोड में हम क्या एडिटिंग करने वाले हैं, आपने सैंपल देख लिया है। कुछ दिन पहले हमने इसी टेक्निक का यूज करते हुए एक वीडियो में से अनवांटेड ऑब्जेक्ट को, वो कुछ भी हो सकता है, उसे हटाया था। आज जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसका क्या यूज है, इसके पीछे की क्या टेक्निक है, उसके लिए रुके रहिएगा। पहले टू द पॉइंट ये देख लीजिए कि कैसे हुआ। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर एक सैंपल क्लिप है, इसे मैं ले आऊँगा प्रीमियर प्रो में और यहाँ छोड़ दूँगा। क्लिप को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, मैंने आपको हमेशा बताया है, इससे आपको एडिटिंग करने में आसानी रहती है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि ये वाले जो भाई साहब हैं ब्लू शर्ट वाले, इनका चेहरा हमने ब्लर करना है। रिक्वायरमेंट कई तरह की हो सकती हैं दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया है कि हो सकता है आप कुछ न्यूज़ ऐसी बना रहे हैं सेंसेशनल, जिसके अंदर आपको फेस को ब्लर करने की ज़रूरत हो सकती है, या आप कुछ वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे हैं उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है, UPI ID, फ़ोन ID, फ़ोन नंबर, और या फिर ईमेल ID, कुछ भी हो, तरीका कुछ भी हो, आपने कुछ हिलते हुए मूविंग ऑब्जेक्ट को ब्लर करना है। तो हमारे केस में है ये ब्लू शर्ट वाला भाई, और इसके फेस को हमने ब्लर करना है। तो ऐसा हम कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम मास्किंग का यूज़ करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है ओपेसिटी। ओपेसिटी और मास्क लेने के लिए हम आप इन तीनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेस वगैरह पर ये जो राउंड शेप है ये अच्छी लगती है। तो हम इस तरह से जितना हम ब्लर करना चाहते हैं उतना बड़ा एक सर्किल जो है यूं बना लेंगे, थोड़ा बड़ा बनाएं क्योंकि हमें थोड़ा फेड भी करना होगा। दोस्तों, अब मास्किंग को समझ लीजिए। ब्लैक मतलब नहीं दिखेगा, और जो इस सर्किल के अंदर दिख रहा है ये दिखेगा, बल्कि हमें तो उल्टा करना है। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पर जो है इन्वर्टेड, इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये ऐसा हो जाएगा। अब ये ब्लैक सा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो फैदर है, किनारे जो है, अब मैं साइड में क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें इसे थोड़ा सा फैदर देना है। फिर से क्लिक करूँगा इस पर, और यहाँ से मास्क वन के अंदर दूसरी सेटिंग है फैदर की, आप हम इसे यूँ फैदर देते चले जाएँगे, क्लिक कर देखेंगे, हाँ ठीक है ऐसा फैदर। तो फ्रेंड्स, हमने इसे मास्क कर लिया। अगर ये मास्क यहीं पड़ा रहेगा तो भाई निकल जाएगा, मास्क वहीं पड़ा रहा। हमें इस मास्क को ट्रैक करना है, ऐसा करने के लिए तो हम क्लिप के शुरू में चले आएंगे और हमें इस मास्क को ट्रैक करना है। उसके लिए आप ऑटो ट्रैक का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये फुटेज को अपने आप रीड करेगा और अपने आप ट्रैक करने की कोशिश करेगा। इसमें कई बार गलतियां रह जाती हैं, मैनुअली ट्रैक करना काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए इसे मैनुअली ट्रैक करते हैं। तो ट्रैकिंग शुरू करने के लिए मास्क पाथ के साथ आप एक स्टॉप वॉच देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से की फ्रेम्स लग जाएंगे और सब कुछ जो है एक एनिमेशन बनेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम हमारी फुटेज में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इस पाथ को सिलेक्ट करते हुए पाथ को भी इस ब्लर को सिलेक्ट करते हुए भी थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, छोटे छोटे स्टेप लें, अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एंड में इसे मास्क को बाहर निकाल दें। देखिए दोस्तों, चलिए टेस्ट करके देखते हैं क्या बना है। तो ये थी हमारी फुटेज। तो देखा दोस्तों आपने कितना सिंपल था। दोस्तों,
हमने यहाँ जो टेक्निक यूज की है उसे मास्किंग कहते हैं। फोटोशॉप में भी होती है, प्रीमियर प्रो में भी, और हर एक वीडियो एडिटर, फोटोशॉप फोटो एडिटर, हर तरह के फोटो एडिटर में ये चीज़ होती है। इससे हम किसी चीज़ को छुपा देते हैं। हमने उसे सिलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद हम किसी भी तरह का इफेक्ट दे देते हैं। यहाँ हमें ज़रूरत थी उसे ब्लर करने की। कुछ ऐसा पार्ट हम ट्यूटोरियल में दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारा लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कुछ भी बैंक से रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है जो कि हम नहीं बताना चाहते, नहीं दिखाना चाहते। तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इस टेक्निक का यूज़ करते हुए कोशिश कीजिएगा, करके देखिएगा। इसका यूज़ करते हुए किसी के फेस को भी ब्लर किया जा सकता है। आपने न्यूज़ में देखा होगा, कई बार नहीं रिवील करना होता तो वे फेस पर मास्क कर देते हैं, उस तरह से ब्लर दिखाते हैं। जैसे जैसे चेहरा आगे पीछे पर्सन मूव करता है, ये मास्क भी मूव करता है। इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए आप अपने वीडियो में से किसी अनवांटेड पार्ट को हटा सकते हैं। आपकी फैमिली घूम रही है लेकिन यहाँ कोई ऐसा है जिसे कि आप हटाना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, करके देखिएगा। इस पर तो स्पेशल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर नहीं समझ आए तो वो देख लीजिएगा। हम मिलेंगे एक और शानदार वीडियो एडिटिंग के साथ बड़ी जल्दी। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें। जय।